नहीं है, मैंने पिछले महीनों काफ़ी घूमा है और बहुत सारे ब्लॉग भी जो है। ऑलमोस्ट पहुंच गया उसके पास में, लेकिन मेरी चल चल के बस हो गई। तो रॉकी अपनी एक्सरसाइज करने के बाद भागता हुआ ये सारी स्टेयर चढ़ता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले तो आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे गायब हो गई। एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी, इसलिए कोई भी ब्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूँगी वीकली या बाई वीकली कोई ना कोई ब्लॉग जो है आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँ। और ऐसा नहीं है, मैंने पिछले महीनों काफ़ी घूमा है और बहुत सारे ब्लॉग भी जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, बस एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं लगा। बट एडिट करूँगी और आपको एक साथ अपने जो ये ब्लॉग है शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आ जाई हूँ जर्सी शोर पे, बहुत ही सुंदर बीच है ये बैलमोर बीच। फिलहाल यहाँ का ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, किसी दिन आऊँगी दिन में यहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बट इस ब्लॉग में मैं आपको मेरे पुराना जो है एक वीडियो था जो आधे में रह गया था उसकी सीरीज़ पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया का, तो इस ब्लॉग में ना आप वो देखिएगा। फिलहाल तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, हेलो, मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रेवल्स टक। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिलहाल आप ये पुराना वाला ब्लॉग देखिए और से इन्जॉय कीजिए, उसके बाद फिर हमारा सिलसिला शुरू होगा बहुत सारे ब्लॉग का और आपके साथ यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो शेयर करूँगी, जगहें आपको दिखाऊँगी। बट बहुत दिन हो गए मैंने आपको अमेरिका की कोई न्यूज़ नहीं दी। न्यूज़ ये है कि सर्दियाँ जो है जनवरी का महीना चल रहा है और बर्फ़ का जो है ना इस साल नामो निशान नहीं है, मतलब हमें बर्फ़ का एक दिन का तक भी देखने को नहीं मिला है। और सर्दी भी सर कोई खास पड़ी नहीं है, मतलब -1 -2 तक का टेम्परेचर हुआ है। और फिलहाल चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए यू एंजॉय दिस ब्लॉग। जैसे अभी हमने पीछे देखा था लव साइन, तो यहाँ लव साइन तो नहीं है, अमोर साइन है। तो आई थिंक स्पेनिश में अमोर का मतलब लव ही होता है, तो इन वन वे दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लव साइन जो है। यहाँ पे भी लोग आके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने लव के पास खिंचवा रहे थे। हाँ, यहाँ पे एक दूसरी मुझे स्ट्रक्चर दिखा है जो कि ये भी ब्यूटीफुल और बहुत ही ग्रैंड स्ट्रक्चर है। देखो तो लोग कितना तैयार होके कैथीड्रल में आए हुए, आई थिंक किसी की शादी वादी है आज, इसलिए इतने सारे लोग। वाह, हाँ शादी है, तो देखो दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं। हमारे जो दुल्हन होती है वो लाल कपड़े पहनती है और यहाँ जो दुल्हन है वो वाइट कपड़े पहनती है। और ये देखो ये बारात की गाड़ी है साथ में, बारात की गाड़ी देखो कितनी सुंदर है। ये देखो बाराती और वो सब लोग जा रहे हैं यहाँ से, आई थिंक शादी हो गई है। लड़की के हाथ में गुलदस्ते आ गए तो शादी हो गई है। और ये बाकी लड़की लड़के के दोस्त रिश्तेदार सब यहाँ पे। इसका नाम है कैथीड्रल ऑफ सेंट पीटर एंड पॉल, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, मेरे को तो बहुत सुंदर लगा ये स्ट्रक्चर। चलो चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे भी सुंदर से फाउंटेन्स बने हुए हैं, बच्चे उसमें नहा रहे हैं, क्या मज़ा आ रहा होगा ना। तो अच्छा देखो कैसे नहा रहे हैं, ये ले रहा है मज़े पूरे स्विमिंग पूल के। वो है, अभी हम जा रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। मेरे पास टाइम नहीं है और एक तो कोरोना है, नहीं तो सभी बिल्डिंग्स में जाके आपको इन सभी बिल्डिंग्स की हिस्ट्री बताता। गाइस बहुत दूर है, मुझे लग रहा था 1-2 किलोमीटर होगा, पर ये उससे ज़्यादा लग रहा है। वो देखिए वो है सामने म्यूजियम, अभी हट जाता नहीं क्योंकि गाड़ी कुचल रही है। यहाँ पे बाइक्स के साइलेंसर बहुत लाउड है, आई थिंक ये सोल्जर्स के लिए बोला गया। ब्यूटीफुल स्कल्पचर है, सोल्जर्स के लिए बनाया है स्कल्पचर। चलिए आगे चलते हैं। मैं छाँव छाँव में चल रहा हूँ और ऑलमोस्ट पहुँच गया उसके पास में, लेकिन मेरी चल चल के बस हो गई है। नो डाउट बस से यहाँ पे आना बहुत कंफर्टेबल होता, लेकिन फिर वो रास्ते में इतने सुंदर व्यूज़ भी नहीं मिलते और हम सिर्फ फिलाडेल्फिया आर्ट म्यूज़ियम की स्टेयर्स और रॉकी का स्टैचू देख के ही घर चले जाते हैं। लेकिन अब हमने सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया यहाँ का। यहाँ तो बहुत भीड़ है, बाप रे, तो देखो योगा चल रहा है यहाँ पे। ओह
ये कोई हरे राम और हरे कृष्णा का चल रहा है कुछ यहाँ योगा फेस्टिवल लगता हो रहा है यहाँ कीर्तन हो रहा है ओ कह सकता है अमेरिका कोई नहीं कह सकता। देखो कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अलग अलग तरह के टेंट लगे हुए हैं। द साइंस ऑफ रीन, ये सुमन को बहुत पसंद आएगा ये वाला, द साइंस ऑफ रीन कार्नेशन इलस्ट्रेटेड भगवत गीता, जिन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट का स्टार्ट किया था, तो वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताया है यहाँ पे। सीरियसली मुझे अगर पता होता ना ये फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है तो मैं सुबह बिल्कुल जल्दी जल्दी आ जाता। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Sorry? Yeah, taking nice picture. Yeah, yeah. Good, good. I'm taking videos. Yeah, yeah. See? So they are serving prasadam here. I'll take some prasad from here. Prasad mil raha hai, lunch mil raha hai. Doing quite well. I'm really happy that I got a chance to come here and see all this happening here. I knew. Thank you. Where's more rice? Unko mili hai ek ग्रेवी वाली मिक्स वेज, और मिले राजमा, और मिले राइस, और एक चपाती भी मिली थी। स्टैचू के पास पहुंच चुके हैं, रॉकी के स्टैचू की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है रॉकी के साथ फ़ोटो खिंचवाने की, तो हम तो उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे पर हम दूर से इसका फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो खिंचवाएंगे नहीं उसके साथ, दूर से फ़ोटो लेंगे रॉकी का। अगर इसके साथ जाके फ़ोटो खिंचवानी है तो आधा घंटा लगाना पड़ेगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं है, तो मैं दूर से ही वीडियो बना के चला जाऊंगा और अपने कैमरे से इसकी दूर से फ़ोटो खींच लूँगा। 3.5 किलोमीटर चलने के बाद, हरे राम हरे कृष्णा का प्रसाद खाने के बाद, अभी हम पहुंच चुके हैं फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम ऑफ आर्ट। मैं दिखाता हूं आपको इसका साइन, ये देखिए फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, और इसके ऊपर बना हुआ है ये बड़ा सा घोड़ा, और ये है फेमस फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम ऑफ आर्ट की स्टेयर्स। तो अगर आपने रॉकी फिल्म देखी होगी तो हर रोज़ सुबह जब बर्फ़ पड़ी होती थी तो रॉकी अपनी एक्सरसाइज करने के बाद भागता हुआ ही सारी स्टेयर्स चढ़ता, तो हम उसको इनैक्ट करेंगे। हम भागेंगे तो नहीं, लेकिन हम ये सारी स्टेयर्स ऊपर चढ़ेंगे। देखो 3, 4, 5, 6
71 तो आई थिंक 71 के आसपास स्टेयर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो व्यू है ना ऑसम है, बिल्डिंग्स देखो कितनी सही है यहाँ से, वाह। वो बिल्डिंग्स के टॉप पे देखिए कितने सुंदर स्कल्पचर बने हुए हैं, ब्यूटीफुल, और कितनी अच्छी तरह मेंटेन्ड है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ऐसा लगता है जैसे कल ही बनाई गई हो। और सबसे मज़े की बात है भीड़ नहीं है, नहीं तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा भीड़ रहती रहती है। बहुत सुंदर है, और जो स्टोन का येलो जैसा कलर है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बड़े बड़े कॉलम्स बने हैं इन कॉलम्स के बिल्कुल टॉप के ऊपर कितनी सुंदर पेंटिंग करी हुई है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। अब जो व्यू दिखेगा ना वो अमेजिंग व्यू होने वाला है, वो देखो पूरी सिटी का व्यू है। वो देखो सामने है टाउन हॉल, और यहाँ भी देखो फाउंटेन है जो चल नहीं रहा अभी, शायद फाउंटेन बंद पड़ा हुआ, जब चल रहा होगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। वो देखो सामने कितना सुंदर लग रहा है, सिर्फ 2 घंटे में हमने ये सब देख लिया, अमेजिंग। सिटी हॉल देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एक अच्छी सी लोकेशन से आपको दिखा, पूरा यहाँ से सिमेट्रिकल दिखेगा। तो देखो पूरा सिमेट्रिकल दिख रहा है यहाँ से, और मैं घूम के आपको दिखाता हूँ पीछे क्या क्या, बहुत ही अमेजिंग जगह है। वो देखो पीछे फिलाडेल्फिया की स्काई लाइन, और वहीं नीचे अगर आप देखोगे अरे रामा हरे कृष्णा का फेस्टिवल चल रहा था, ये देखो अमेजिंग जगह है, मज़ा आ गया। अभी जाने का टाइम आ गया, मेरी ट्रेन है 4:40 की, और यहाँ से मैं जाऊँगा पैदल ही स्टेशन तक, यहाँ से मिलेंगे लगेंगे 20 मिनट, और फिर मैं फिलाडेल्फिया स्टेशन में जाके वहाँ पे कुछ स्टेशंस की वीडियो बनाऊँगा, वहाँ के फ़ोटो निकालूँगा, और फिर हम न्यूयॉर्क लौट के जाएंगे बाई टेकिंग SLR ट्रेन। सो जो SLR ट्रेन है ये US की फास्टेस्ट ट्रेन है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 150 mph, यानी कि क्लोज टू 240 km/h। तो अभी मैं स्टेशन जाऊंगा, आपको बताता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा SLR की जर्नी का, आपको दिखाऊंगा कि SLR की जर्नी कैसी है, ट्रेन कैसी है। सो स्टे ट्यून्ड। तो जो मैंने पैदल रास्ता लिया है स्टेशन जाने के लिए, सब लोगों का कहना है ये बहुत ही सुंदर रास्ता है, क्योंकि ये रिवर के साथ साथ चलता है, थोड़ा टाइम लगता है पैदल चलने में, लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो इन्जॉय दिस रूट विद मी। चार बज के 35 मिनट हुए, 4:40 की है मेरी ट्रेन। तो इन्होंने क्या किया, पूरे प्लेटफॉर्म में जैसे इंडिया में लिखते हैं ना ऊपर कि कौन सा डिब्बा कहाँ लगने वाला है, सिमिलरली इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा डिब्बा कहाँ लगने वाला, यहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे आएगी कोच नंबर 3। तो मेरी यहाँ कोच को बोलते कार, तो कार नंबर 3 जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आएगी। जिस ट्रेन से मैं आया था और इस ट्रेन में ज़मीन आसमान का अंतर है,
ये ट्रेन बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह है, इतनी फास्ट तो नहीं है, बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में चलती है और बुलेट ट्रेन का अपनी डेडिकेटेड ट्रैक है, ये उन्हीं ट्रैक्स पर चलती है जिनकी जिन ट्रैक्स पर बाकी ट्रेन भी चल रही है, पर इसका यह है कि एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन बहुत फास्ट है और इसकी मैक्सिमम स्पीड भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये बाकी ट्रेनों से फास्ट है। और अंदर से अगर देखो ये बिल्कुल ही एक एरोप्लेन की तरह लगती है। मैं दिखाता हूँ इनका कैफे कार, आपने सुबह वाली ट्रेन का भी कैफे कार देखा होगा, अब इसका भी कैफे कार देखो। तो गाइस इस ट्रेन का जो टॉयलेट है वो बिल्कुल एरोप्लेन जैसा है, लेकिन एरोप्लेन से एटलीस्ट 3-4 टाइम्स बड़ा है। हमें इस जर्नी में ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है और 20 मिनट्स बचे हुए हैं। मैं ज़रा आपको इस ट्रेन की सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ, काफ़ी लग रहा हूँ इस ट्रेन में। और नीचे फुटरेस्ट भी है जो कि मैं 2 लेवल्स पे रख सकता हूँ, या तो इस लेवल पर रखो या तो इस लेवल पर रखो, तो ऐसे करके कर सकते हैं। और सामने ट्रे भी है, ट्रेन बिल्कुल एरोप्लेन की तरह लगती है, ऐसे लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। किसे दिखाता हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है, स्पीड भी दिखाता हूँ ट्रेन की कितनी है, 112, 113 किलोमीटर के आसपास चल रही होगी, पीछे बहुत फास्ट चल रही है, पीछे आई थिंक ईजिली 200 किलोमीटर के आसपास चल रही थी। फिर मैं Newark, New Jersey will be next.